हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे हेस्टर बायोसाइंस के बारे में। तो हम इसकी विकिपीडिया की साइट के ऊपर आ चुके हैं, तो अभी हम इसकी कुछ जानकारियां ले लेते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कंपनी का नाम लिखा हुआ है, हेस्टर बायोसाइंस लिमिटेड। ठीक है, ये इनका सिंबल है इस तरह से। ठीक है, कंपनी जो ट्रेड करती है NSE BSE दोनों पे ट्रेड करती है। टाइप कौन सी है, तो पब्लिक टाइप है। ठीक है, इंडस्ट्री जो है एनिमल हेल्थ केयर है। तो ये जानवरों का, एनिमल का जो है हेल्थ केयर में काम करती है, उनके हेल्थ के ध्यान रखने से संबंधित वैक्सीन वगैरह बनाती है। ठीक है, फाउंडेड कब हुई थी, तो 1983 में ये कंपनी फाउंडेड हुई थी, मतलब 1983 में ये कंपनी बनी थी। ठीक है, फाउंडर कौन थे इस कंपनी को स्टार्ट करने वाले, तो राजीव गांधी जो थे वो इस कंपनी को स्टार्ट करने वाले थे। हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है इसका, तो अहमदाबाद इंडिया में है। ठीक है, अहमदाबाद में है। ठीक है, एरिया सर्वेड जो है इंडिया वर्ल्ड वाइज है। ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड वाइज। ठीक है, और आप देख सकते हैं तो आप प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, पोल्ट्री लार्ज एनिमल वैक्सीन्स। ठीक है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो हैं इसके 300 हैं। और आपको इनकी साइट देखनी, तो ये इनकी साइट दी हुई है। ठीक है, तो ये थी कंपनी की कुछ बेसिक सी जानकारियाँ। अभी हम चलते हैं इनके चार्ट के ऊपर। तो अभी आप देख सकते हैं हम कंपनी के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है 1706 रुपया चल रहा है, और कंपनी ने जो रिटर्न दिए 270% के रिटर्न दिए हैं कंपनी ने। और ये कंपनी कब से ट्रेड कर रही, तो 2015 से ट्रेड कर रही है। और कंपनी का जो हाई था 2949 रुपया था, 2950 रुपया आप समझ लीजिए, तो कंपनी में लगभग 1200 रुपये, 1250 रुपये की गिरावट हो चुकी है एक साल में, क्योंकि 52 वीक हाई देख रहे थे हम। तो अभी हम देख लेते हैं कि कंपनी में कितने परसेंट की गिरावट हुई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो 2021 का दिखा रहा है, तो 5 साल में आ जाएगा। 5 साल में कुछ टेक्निकल डाटा की वजह से नहीं आ रहा, तो हम वापस वहीं पे देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इन्होंने हाई बनाया था यहाँ पे, और यहाँ से जो कंपनी गिर चुकी है, अभी तक 40% की गिरावट हो चुकी है कंपनी में अपने हाई से। तो अभी हम देख लेते हैं कंपनी के NSE की साइट पे जाके। तो अभी हम आ चुके हैं NSE की साइट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं 10 मार्च को जो इसमें डिलीवरी उठाई गई है, बहुत ही भयंकर डिलीवरी उठाई गई है। 73% की डिलीवरी उठाई जा रही है, तो हाई लेवल की डिलीवरी उठाई जा रही है कंपनी में। तो हो सकता है कंपनी में 40% की गिरावट है, इसलिए लोग सोच रहे हैं कि सस्ता मिल रहा है तो ले लें। ठीक है, तो अभी हम कंपनी इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। तो जब हम कंपनी इन्फॉर्मेशन में आएंगे, तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास जो है 53.73% शेयर है, उसमें से कुछ भी गिरवी नहीं रखा है, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, कॉरपोरेट एक्शन में जब हम आ जाते हैं, तो कंपनी 2018 में 2 रुपये का डिविडेंड दिया था, फिर 19 में 7 रुपये का दिया, फिर 20 में 6.5 का दिया, 21 में 10 रुपये का दिया, और 22 में भी 10 रुपये का दिया। तो कंपनी साल में एक बार मात्र डिविडेंड देती है। ठीक है, और हम इंडस्ट्री देख लेते हैं कंपनी किस इंडस्ट्री में काम करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्री जो है फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो फार्मा सेक्टर में काम करती है कंपनी। और मैंने आपको पहले ही दिखाया था, जब हम विकिपीडिया पे देख रहे थे, तो वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था एनिमल्स के लिए वैक्सीन वगैरह बनाती है कंपनी। ठीक है, तो अभी हम जो है इसकी बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, तो कंपनी के पास पहले 137 करोड़ थे, फिर बढ़ गए 170 करोड़ हुए, फिर बढ़ गए 194 करोड़ हुए, फिर बढ़ गए 229 करोड़ हुए, फिर अभी 259 करोड़ हो गए। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यू इनके रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोविंग कर्जा है, 73 करोड़ का कर्जा है कंपनी के ऊपर। ठीक है,
शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो आप 48 करोड़ का कर्जा है, ठीक है, तो कर्जा होना कोई पाप नहीं है, लेकिन डेट फ्री कंपनियां ज़्यादा अच्छी रहती हैं। ये कर्जे हैं तो एक कर्जे क्या है कि कमी कर्जे हैं तो वो चुक भी जाएंगे, और कंपनी जब भी कोई कर्जा लेती है तो अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए लेती है, और अगर वो अपने बिज़नेस को उसमें बढ़ा रही है और सही समय पे अपने कर्जे को चुका रही है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बिज़नेस को बढ़ाने के लिए पैसों का अरेंज करना पड़ता है, तो कहीं से भी कर सकते हैं, तो उसमें एक कर्जा भी होता है, लोन भी होता है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। तो अभी आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है, आप देख सकते हैं 1454 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है, तो छोटी कंपनी है, ठीक है। उसके बाद जब हम आते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी जो है अपने सेक्टर में 6 नंबर पे लीड कर रही है, ठीक है। उसके बाद जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर 2019 से, तो कंपनी ने क्या कमाया क्या नहीं कमाया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी 12 करोड़ कमाई, फिर 5, फिर 5, फिर 7, फिर 13, फिर 10, 11, 11, 8, 9, 4, 6, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा कंपनी ने 12 करोड़ कमाया, और इसका EPS जो है 13 रुपया 15 पैसा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं 25% है, ठीक है। तो कंपनी क्या है, प्रॉफिटेबल है, स्टेबल नहीं है। कभी कंपनी के प्रॉफिट 5 करोड़ हो रहे तो कभी 13 करोड़ हो रहे, फिर कभी 10 करोड़ हो रहे तो कभी 4 करोड़ हो रहे, तो इनका जो है प्रॉफिट स्टेबल नहीं है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। ईयरली रिजल्ट में हम आ जाते तो आप देख सकते हैं 2011 में कंपनी का जो सेल्स था 42 करोड़ का था, उसके बाद जो अभी इनका सेल्स है वो 255 करोड़ हो गया, तो 42 करोड़ के सेल्स से 255 करोड़ में बढ़े हैं, तो सेल्स में ग्रोथ है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख रहे हैं 19% है, ठीक है। उसके बाद आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 2011 से ही देख रहे हैं हम लोग, तो 2011 में जो कंपनी 8 करोड़ कमाती थी, फिर 7 हुई, फिर बढ़ा 9, फिर बढ़ गया 13, बढ़ा 19, फिर बढ़ गया 23, फिर 23 ही रहा, फिर बढ़ गया 41, फिर डाउन हुआ 31 हुआ, फिर बढ़ गया 35, और फिर बढ़ा 39, ठीक है। और उसके बाद फिर कंपनी 31 करोड़ पे आ गई। तो आप देख सकते हैं जो कंपनी 8 करोड़ कमाती थी वो 31 करोड़ पे आई। अभी इसमें एक क्वार्टर का और रिजल्ट जुड़ेगा, Q4 का, तो ये 39 को भी बीट कर देगी। तो जो कंपनी मान लो 8 करोड़ कमाती थी, आज वो 39 करोड़ कमा रही है, तो कंपनी के प्रॉफिट में भी ग्रोथ हुआ है। वहाँ पे मैंने सेल्स दिखाया, सेल्स में भी ग्रोथ हुआ, तो ये एक अच्छी बात है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास जो है 53.73 है, FIS के पास 0.45 है, DIS के पास 0.3 और पब्लिक के पास 45.77 है, ठीक है। तो ये हैं कंपनी की कुछ जानकारियाँ, ठीक है। तो कंपनी कैसी है देख लेते हैं। तो कंपनी क्या है, एनिमल्स वैक्सीन वगैरह बनाती है, तो कंपनी का जो है बिजनेस वैक्सीन वगैरह का है, तो बिज़नेस तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है कंपनी का हमने चार्ट देखा तो नीचे से ऊपर की तरफ गया, तो ये भी एक अच्छी बात है। फिर कंपनी में 40% की गिरावट है, तो कंपनी को बाय करने का अच्छा मौका है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कंपनी में जो डिलीवरी उठाई जा रही है अभी 77% जैसी डिलीवरी उठाई जा रही है, ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। फिर कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म में थोड़ा कर्जा है, ये थोड़ा नेगेटिव है, शॉर्ट टर्म में भी कर्जा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी बेकार है, बस कर्जा है इसलिए हमने थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट गिना है, लेकिन उसको आप गिन नहीं भी सकते हैं, क्योंकि कर्जा लेने के बाद कर्जा अगर कंपनी चुका देती है तो वो तो अच्छी बात है ना, ठीक है। फिर भी हमने उसको नेगेटिव में रख लिया, चलो। और कंपनी के जो सेल्स हैं हमने ईयरली रिजल्ट में देखा बढ़ रहे हैं, और कंपनी के प्रॉफिट भी ईयर टू ईयर थोड़ा थोड़ा बढ़ ही रहा है, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट में जो हमने प्रॉफिट देखा वो स्टेबल नहीं है, कभी अप डाउन है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक है। तो ये थी इस कंपनी की कुछ बेसिक सी जानकारियाँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और आप इस शेयर को बाय करना चाहते हैं तो आप अपनी रिसर्च से बाय कीजिएगा, ठीक है। मैंने ये जो वीडियो बनाया है एजुकेशन पर्पज़ से बनाया है, और आपको ये बेसिक सी जानकारियाँ जो हैं इस कंपनी के बारे में अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।